नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाइपिंग की। आपकी जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग आपको पता है 1262 पदों के लिए बुलाई जा चुकी है। 55 सवालों की जो तैयारी कर रहे हैं उनको बाद में टाइपिंग देना है, तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उन दोनों लोगों की। पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपको किस किस चीज़ की जानकारी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, टाइपिंग का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ होती है, वो है टाइपिंग की प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस आप करते जाओगे उतनी ही अच्छी आपकी स्पीड निकल के आपके सामने आती जाएगी। मैं खुद अपना एग्जाम्पल दे रही हूँ, जब मेरी जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग 2019 में हुई थी उस वक्त मेरे पास बहुत ही कम समय बचा हुआ था और मेरे साथ एक बहुत छोटा बच्चा भी था। तो आपको ये बता दूं कि जब मैं छोटे बच्चे के साथ अगर एक डेढ़ महीने में टाइपिंग की स्पीड ला सकती हूँ, मैं टाइपिंग क्वालिफाई भी कर ली थी, इसीलिए कह रही हूँ जब मैं उस चीज़ को कर सकती हूँ तो आप लोग बिल्कुल कर सकते हो। बस एक ही चीज़ बोलूँगी, शॉर्टकट के चक्कर में मत परेशान होना कि कोई कोई जादू की छड़ी घुमा देगा और आपको टाइपिंग स्पीड आपकी बढ़ जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सिर्फ एक काम करना है, वो है प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस का देखो आपको बता दूँ, प्रैक्टिस से कुछ और ऊपर है ही नहीं टाइपिंग में, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करते रहो। बहुत से लोग लगातार पूछते हो कितने CPM चाहिए, कितने की स्ट्रोक चाहिए। मैं बता दूं, मैंने कुछ भी इन सब पे ध्यान ही नहीं दिया था, बस अपनी स्पीड बढ़ा के रखो और एक्यूरेसी पे बहुत ध्यान देना। यानी कि जैसे मान लो 25 वर्ड्स पर मिनट की हिंदी टाइपिंग मांगी गई है तो उसको 35 कर लेना कि 35 वर्ड्स पर मिनट आपके निकल के आने चाहिए। ऐसे अगर इंग्लिश टाइपिंग की बात करूं, 30 वर्ड्स पर मिनट बोला है तो कम से कम 10 ज्यादा यानी 40 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड घर में आनी चाहिए विद एक्यूरेसी। एक्यूरेसी बहुत जरूरी है, ये नहीं 40 वर्ड्स पर मिनट तो आ रहे हैं सब गलत टाइप कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। तो अगर ये घर पे निकल के आपकी आ रही है एक्यूरेसी के साथ तो टेंशन मतलब डेफिनेटली आपका हो जाएगा। मैंने यही किया था, कहीं इधर उधर नहीं भगी थी, ठीक है, क्योंकि मैंने जब सुना था टाइपिंग, शायद मेरे लिए पहली बार टाइपिंग आई थी, मैंने कभी उसके पहले टाइपिंग दी नहीं थी। मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन भी किया था लेकिन बता रही हूँ मेरा बच्चा बहुत छोटा था उस वक्त, तो उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई। एक दो दिन गई, वो बहुत परेशान कर दिया उसने घर पर सबको, तो मैंने छोड़ दिया और डिसाइड कर लिया घर पर ही रहकर खुद से करूँगी। और खुद से करके देखो निकाल लिया, इसीलिए कह रही हूँ। पहले तो देख लो सॉफ्टवेयर कौन कौन से यूज़ करने हैं 1262 वालों के लिए भी और 5512 वालों के लिए भी। पहले बता रही हूँ 1262 वालों को सॉफ्टवेयर कौन कौन से यूज़ करने हैं। देखो ढेर सारे सॉफ्टवेयर मैंने खोल के रखे हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ जिसको आती है टाइपिंग, जिसकी ऑलरेडी है टाइपिंग स्पीड है, उनको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है और जिसकी नहीं है उन्हें क्या करना है, दोनों लोगों को बताऊंगी। टाइपिंग वाला एक साइट है आपकी, आप वहाँ जाके डालोगे, अभी यहाँ पे नहीं आ रहा लेकिन जिस समय हम लोगों का टाइपिंग था उस समय इन्होंने जूनियर असिस्टेंट के लिए, जैसे अभी यहाँ दिख रहा है हाई कोर्ट के लिए ना, हाई कोर्ट मॉक टाइपिंग टेस्ट, ऐसे ही जूनियर असिस्टेंट के लिए भी डाल देंगे ये लोग, यहाँ पे हमेशा आता रहता है। तो यूपी हाई कोर्ट के लिए आई हुई है, ऐसे आप जूनियर असिस्टेंट के लिए यहाँ से किसी भी पैराग्राफ को, जैसे ये पैराग्राफ है इस पर अपनी बस टाइम, क्योंकि देखो जूनियर असिस्टेंट में एक बहुत बड़ा बड़ी चीज़ है वो ये है टाइम लिमिट। बाकी एग्जाम में आप जाते हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाओगे या किसी और एग्जाम में, आपको टाइम थोड़ा 10-15 मिनट का मिलता है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट की टाइपिंग होती है। अब उस 5 मिनट में क्या होता है आपको पता है, जब आप वहाँ बैठते हो तो वैसे ही नर्वस रहते हो, आपकी उंगलियाँ शिवर कर रही होती, मेरी भी कर रही थी, तब तक आप 5 मिनट टाइप ही कर रहे होते, 5 मिनट खत्म हो जाते हैं, फिर आपकी तुरंत हिंदी टाइपिंग आ जाती है। तो वहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है जूनियर असिस्टेंट में, ठीक है, तो इसीलिए बोलूँगी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करके जाना, कॉन्फिडेंट होना, निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ प्रैक्टिस बहुत 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 करके जाओ। यहाँ देख लो दोस्तों, ये आपको ऐसे ही मैंने बताया ना, टाइपिंग वाला खोलोगे ऐसे पैराग्राफ दिखेंगे, आप यहाँ अपनी टाइम लिमिट स्पीड जैसे सेट करने का ऑप्शन यहाँ दिख रहा है, सेट 1 मिनट है, आप 5 मिनट्स करके इसको और यहाँ पे स्टार्ट कर दो, ठीक है। ये आपका हो गया टाइपिंग वाला, यहाँ पे कर सकते हो। ये सबसे बेस्ट लगती है मुझे मेरी टाइपिंग में, इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, जूनियर असिस्टेंट हो, कोई हो, जैसे यहाँ मिला है ऐसे ही आपको वहाँ भी मिलेगा। तो मैं ये बोलूँगी आप इसमें कोई भी पैराग्राफ टेस्ट लेकर, ऐसे कोई भी पैराग्राफ इंग्लिश का, हिंदी का, जिसका भी करना है आपको, टाइम यहाँ अपना रीसेट करके और यहाँ पे 5 मिनट का टाइम यानी कि 300 सेकेंड करके इसको यहाँ पे टाइप कर सकते हो। ये तो अभी नॉर्मल ऐसे आया है, आप पैराग्राफ टेस्ट किसी भी पैरा का लेके कर सकते हो। तो ये हो गई आपकी मेरी टाइपिंग, और मैं बोलूँगी आपको रिकमेंड यही करूँगी कि जितने लोगों का भी 1262 वालों का है आप मेरी टाइपिंग पे ही करना, ठीक है। मेरी टाइपिंग बहुत अच्छा है, मेरी टाइपिंग पे ही आप करना, जितनी प्रैक्टिस आपको करनी मेरी टाइपिंग पे करना। ये उनकी बात हो रही जिनको ऑलरेडी फिंगर्स सेट हैं, बाकी सभी को अपनी 10 फिंगर्स सेट करनी है। अगर आप ये सोचोगे 1 by 1 से हम कर लेंगे तो नहीं क्वालिफाई कर पाओगे, 10 फिंगर्स सेट करनी है आपको, उसमें टाइम लगेगा लेकिन मैं बता रही हूँ ना, प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आप सीख जाओगे। कैसे रखनी है, क्या करनी है, अभी मैं आपको बता दूंगी, इसके लिए वीडियो देखते रहना।
तो ये हो गई। एक आपकी और होती है इंडिया टाइपिंग, आप इस पर भी जाके देख सकते हो टाइपिंग टेस्ट अपना, ठीक है, इंग्लिश का हो चाहे हिंदी का आप कर सकते हो यहाँ पर। ऐसे ही है टाइपिंग बाबा, टाइपिंग बाबा पे भी जाके आप कर सकते हो। मैंने तो टाइपिंग बाबा पे ही सीखी थी, मैं आपको बता दूं, क्योंकि उस समय मुझे ज़्यादा और चीज़ ये मेरी टाइपिंग और इन सब के बारे में पता नहीं था, तो मैंने जो स्टार्टिंग की थी वो टाइपिंग बाबा से ही की थी। यहाँ भी देखो आपको दिख जाएगा टाइपिंग ट्यूटर है, टाइपिंग टेस्ट है। टाइपिंग टेस्ट को अपना ऑन कर लेना और वहाँ पर टाइम सेट कर लेना। देखो हिंदी टाइपिंग इंग्लिश टाइपिंग आ रहा है, इंग्लिश टाइपिंग पर क्लिक करके आप अपना देख सकते हो जो भी आपको इसमें करना है। नाम वगैरह लिख के अपना काम यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। रैंडम वर्ड्स है कि पैराग्राफ है, जो भी चाहो। अब देखो एक चीज़ और बता दूँ यहाँ पे आपको, वो ये है दोस्तों, इंग्लिश और हिंदी दोनों की टाइपिंग करनी है, आपको पता है। मैं यहाँ एक चीज़ बता दूँ पहले आपको, देखो हिंदी की टाइपिंग की स्पीड कितनी चाहिए, हिंदी की टाइपिंग के लिए आपको स्पीड चाहिए 25 वर्ड्स पर मिनट। क्वालिफाई करनी है, आपको लिख के दे दूंगी मैं, अगर आपकी 35 वर्ड्स पर मिनट घर पे आ रही है अगर आपकी ये स्पीड विद एक्यूरेसी, तो आपका सिलेक्शन हो गया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कोई कुछ भी कहे कहता रहे, अगर ये आपकी एक्यूरेसी के साथ बिल्कुल हूबहू आप उतार दे रहे हो तो आपका सिलेक्शन पाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इंग्लिश की बात कर लें तो इंग्लिश 30 वर्ड्स पर मिनट मांगी गई है, तो देखो 10 तो मैं बोल रही हूँ बिल्कुल सेफ साइड के लिए, लेकिन 5-5 तो एटलीस्ट बढ़ा के जाना। ये नहीं घर पे 25 आ रही हो तो खुश हो जाओ, घर पे 25 आ रही हो उसको 30 तो डेफिनेटली लेकर जाना एग्जाम के पहले। अगर वो नहीं करोगे तो थोड़ा डाउट रहेगा, इसीलिए कह रही हो 30 है और आपकी वहाँ घर पे 40 निकल के आ रही है विद एक्यूरेसी, तो भी आपका क्या है सिलेक्शन पक्का है, टाइपिंग डेफिनेटली क्वालिफाई हो जाओगे आप। अभी बात कर लूँ 1262, बहुत से लोग पूछ रहे एग्जाम डेट की, तो देखो कोई ऐसे इन्फॉर्मेशन अभी आई नहीं है, चाहें तो जल्दी करा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हो सकता है ये डिले भी हो जाए। वैसे डिले करने के चांसेस कम हैं, इसीलिए मैं बोल लूँ कि आपका समय भी कम है, हो सकता है अचानक से आ जाए आपके टाइपिंग के स्लॉट, तो इसीलिए बोल लूँ मेहनत करते रहो, जिसका भी टाइपिंग का स्लॉट आ जाएगा उसको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है तुरंत तो होगी नहीं, 15,000 लोगों को बुलाया गया है तो टाइपिंग में टाइम लगेगा। और टाइपिंग कहाँ होती है दोस्तों, अलीगंज लखनऊ में ITI कॉलेज है, वहीं आपकी होती है, ITI है अलीगंज लखनऊ में, ठीक है, वहीं आपकी टाइपिंग होती है। तो स्लॉट मिलते हैं, तो जिसका शुरू का स्लॉट हो जाता है उसको तो बहुत वो दिक्कत हो जाती है, जिसको थोड़ा टाइम मिल जाता है क्योंकि टाइपिंग थोड़ा दिन तक चलती है, तो जिसको टाइम मिल जाता है, ऐसे मेरी भी थोड़ी टाइम मिल गया था, मुझे लास्ट तक मेरी गई थी, तो और टाइम आपको मिल जाता है प्रैक्टिस करने का। तो इसीलिए कह रही हूँ जिनका शुरू में पड़ जाए पता तो है नहीं, प्रैक्टिस खूब करते रहो, रात दिन करो प्रैक्टिस, अगर टाइपिंग ही क्वालिफाई करनी है तो, ठीक है। चलो अब बात आपसे कर लूँ, इंग्लिश की बात मैंने आपको बता दी 30 वर्ड्स पर मिनट, इंग्लिश का कोई लेआउट नहीं है, जो कीबोर्ड है नॉर्मल आपको अपनी हैंड्स उस पर रख के करनी है। हिंदी की अगर बात कर लूँ तो हिंदी में देखो आप चाहे तो मंगल पे कर सकते हो, दो चीज़ें होती हैं, दो फॉन्ट होते हैं, एक होता है आपका मंगल और एक होता है आपका कृतदेव, ठीक है, तो दो आपके इस पे लेआउट होते हैं, जिसको जिसमें आता है वो आप कर सकते हो। वहाँ जब जाओगे जूनियर असिस्टेंट के लिए तो पूछेंगे आपका कौन सा है, आप बता देना, वो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन मैं ये बोलूँगी अगर आप बिगिनर हो और आपको हिंदी की टाइपिंग नहीं आती तो मंगल सीखना, ये एक तो बहुत ईजी है, दूसरा मंगल कई जगह आपसे मांगी जाती है, आप किसी और एग्जाम की तैयारी भी करोगे ना तो वहाँ पे आपसे मंगल मांगी जाती है, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट है, UP पुलिस है, इन सब में आपसे मंगल ही मांगी जाती है। तो इसीलिए मैं बोलूँगी मंगल सीख लो, मंगल आसान भी है। मंगल क्या है बता दूँ पहले आपको हिंदी वाला, क्योंकि हिंदी में ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। ये देखो हिंदी मंगल का कीबोर्ड लेआउट खोला हुआ है मैंने, लो मैंने बंद कर दिया, हिंदी मंगल का आपको लेआउट दिखा देती हूँ मैं, देख लो उसको, हिंदी मंगल फॉन्ट का लेआउट, ठीक है, वो देख लो आप हिंदी मंगल फॉन्ट का लेआउट कहाँ है आपका, कोई जो ऐसा खोलूँ जो आपको साफ सुथरा सा दिख जाए, ये वाला खोल लेते हैं हम लोग, ये दिख रहा है क्या, ये विजिबल नहीं लग रहा है, देखो चलो ये खुल गई आपकी। अब देखो यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है आपको, के जो आपका इंग्लिश का है उस पर क्या दिख रहा है, का और खा, ऐसे ही उसके ऊपर देखो गा और घा है, ठीक है, ये दिख रहा है ना, का खा गा घा। देखो हिंदी की टाइपिंग थोड़ी टफ है, टफ क्यों है, क्योंकि यहां पर क्या करना है आपको, इंग्लिश में सिंपल के पे प्रेस कर देना है, इसमें क्या करना है के साथ साथ, जैसे आपको खा अगर करना हो, खाना प्रेस करना होगा तो क्या करोगे आप, शिफ्ट दबा दबा के लगाओगे, शिफ्ट दबाओगे तो आपको ये ऊपर वाली चीज़ें पता चलेंगी। बहुत बड़ी वीडियो को नहीं करूंगी मैं अभी सिर्फ आपको लेआउट दिखा दिया। अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि मैडम बिल्कुल हमें समझ नहीं आ रहा है, आप कैसे करा है ये बता दो, तब मैं दूसरी वीडियो लेकर आऊँगी जहाँ पर मैं आपको पूरा कैसे हाथ रखना है, क्या करना है, इसको दिखा के समझाऊँगी। अदरवाइज़ वैसे बहुत ईजी है, कुछ करना नहीं है, जैसे आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हो वैसे ही हिंदी
में भी अपने हैंड तो वैसे ही रखने हैं, ठीक है। हाथों में कोई दिक्कत नहीं है, हाथों जैसे आपने इंग्लिश में किया था वैसे ही हिंदी में करना है। बहुत से लोग हिंदी में शायद अपनी थोड़ी सी फिंगर्स को चेंज करते हैं, मगर मैंने नहीं किया, मैं वैसे ही करती हूँ जैसे इंग्लिश में करती थी वैसे ही हिंदी में, और स्पीड भी आ जाती है मेरी। क्योंकि बात बता दूँ आपको, वहाँ जाओगे बहुत टफ पैसेज नहीं आता है, कुछ कुछ वर्ड्स उसमें ज़रूर एक दो डाल देते हैं बड़े बड़े, अदरवाइज सब नॉर्मल सा ही होता है। तो यहां देखो मैंने आपको बताया ना कि आप क्या करो, यहां पे इसको जो लेआउट है उसको धीमे धीमे करके याद करना पड़ेगा। बिना याद किए देखो कीज तो याद हो जाएंगे, के है, एल है, क्या है, लेकिन आपको के पे का है, कहां पे क्या है, इसके लिए आपको खुद कुछ ट्रिक बना बना के याद करनी है। और हमेशा यही सोचना है कि कहां पे क्या है, सोचते रहना, अच्छा मुझे खाना टाइप करना तो मुझे कैसे करना है, क्योंकि मात्राएं देखो खा यहां पे है, मात्रा यहां पे दिख रही बढ़िया की है ना, तो मात्रा नीचे से दबती है, शिफ्ट दबाओगे तो बड़ा आ जाएगा। तो सब चीजें सीखने वाली हैं आपको, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना, ना जैसे कहां पे दिख रहा है आपको, ना वी पे दिख रहा है देखो नीचे वाला, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान देना पड़ेगा, नीचे वाला नॉर्मल दब जाएगा, जो चीज ऊपर लिखी हुई, जो भी चीज ऊपर लिखी झा है धा है, ये शिफ्ट के साथ आपको मिलेंगी, ठीक। तो पहले आप इनकी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस के लिए देखो क्या करना है वो मैं बताने जा रही हूं, सुन लो, उसके बाद अगर नहीं समझ में आया कोई डाउट रहेगा तो मुझे बताना। जैसे मान लो हम लोगों ने टाइपिंग टेस्ट खोल लिया, ये टाइपिंग टेस्ट पे जाओ या फिर ऑनलाइन टाइप इसी पे टाइपिंग बाबा पे चलते हो कि मैंने इससे सीखा था तो मैं इसी से आपको बता देती हूँ। इस पे जाओ आप, यहाँ पे क्या है आपके पास, टाइपिंग टेस्ट नहीं टाइपिंग ट्यूटर है, दिख रहा है ये टाइपिंग ट्यूटर। इंग्लिश का अगर आपको नहीं आता तो आप इंग्लिश की टाइपिंग ट्यूटर पे जाओ। ये देखो यहाँ पे लेसन वन कीज, देखो ढेर सारी कीज हैं आपकी, बीच वाली जो कीज है जहाँ आप अपने हैंड रखते हो उसे होम कीज बोला जाता है। वहाँ क्या होता है आप देखोगे तो आपकी कीबोर्ड में दो बटन होती हैं, दो बटन में क्या होता है कुछ उभरा हुआ सा निशान होता है, आपको अपनी फिंगर वहाँ पे रखना स्टार्ट होता है, ठीक है। आपको अपनी फिंगर वहाँ रखनी है, कैसे करना बता रही हूँ। लेसन वन की कीज पे जाना, एफ और जे आएगा, ये देखो ये आया, ठीक है। अब ये देखो आपको कौन सी फिंगर दिख रही है, ये वाली फिंगर दिख रही है, ये आपको कहाँ रखनी है, एक तरफ F पे जाएगी और एक तरफ J पे जाएगी। कीबोर्ड देखोगे, देखो ये कीबोर्ड दिख रहा है पूरा आपको, अपने कीबोर्ड को लेकर देखना, F और J पे कुछ उभरा हुआ सा निशान बना होगा तो उसको क्या करोगे आप, उसी को एक सेकेंड बस उसको मैं कहीं सेट कर लूँ जरा माइक को। F और J को क्या करोगे आप, F और J पे अपनी ये फिंगर रखोगे, ठीक है, ये वाली फिंगर F और J पे, और उसके बगल बगल जो है वहां सारी फिंगर रखते चले जाना। यानी कि F के बगल में क्या है D और J के बगल में क्या है K, तो मिडिल फिंगर आपकी किस पे जाएंगी, D और K पे जाएगी। उसके बाद थर्ड फिंगर है आपकी वो किस पे जाएगी, S पे और L पे, समझ गया मेरी बात। ये दोनों फिंगर जहां रखना उसके बगल में जितनी कीज आती है वहां रख देना, और थंब क्या होते हैं फ्री होते हैं। अब देखो थंब से क्या कर सकते हो आप, थंब से शिफ्ट दबा सकते हो, थंब से आप स्पेस बार ले सकते हो, थंब से आप एंटर तो वैसे करना नहीं होता पैसेज में, जो भी करना आप थंब को फ्री रखते हो, थंब से कुछ काम नहीं करते हो, बाकी चीजें सेट करते हो। अब इसको सेट करते हो उसके बाद क्या करना है, देखो इसीलिए कह रही हूं टाइपिंग ट्यूटर पर जाओगे, देखो ये जे जे एफ एफ जे, क्या करो आप इन दोनों फिंगर्स को सेट कर लो पहले, जे जे एफ एफ जे अपना ये, फिर ऐसे ही नंबर टू कीज जो भी आपकी होंगी वहां ट्यूटर पे देखो जाके, वहां आपको नंबर टू की कीज दिख जाएगी। ये लेसन वन की थी, नंबर टू की क्या है, डी और के है, यानी कि ये मिडिल फिंगर का यूज आपको दिखेगा, दिख रहा है। ऐसे करते करते आपको सारे फिंगर्स का पहले यूज कर लेना है, फिर मैं बताऊं जो आपको लग जाए कि अच्छा मुझे कीज याद हो गई। जब तक कीज नहीं याद होगी कुछ नहीं कर पाओगे, जब आपको लगेगा कि हाँ मुझे कीज याद हो गई, और देखो कीज प्रैक्टिस से ही याद होंगी, एक दो दिन में नहीं याद होगी, रटने वाली चीज तो है नहीं, प्रैक्टिस ही करोगे तभी याद होंगी। तो इसके लिए क्या करो, प्रैक्टिस खूब करो, और धीमे धीमे आपको जब लगे हाँ थोड़ा थोड़ा हैंड सेट हो गया, तो अपने खुद के कंप्यूटर पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल के या कहीं भी खुद ही से अपने आप क्विक लेजी फॉक्स जंप ओवर द डॉग ऐसा करके खुद ही से आप उस पर क्या करते रहो, टाइप करते रहो, ठीक है। ये हाँ ऐसे ही कुछ है, मुझे देखो अभी याद ही नहीं आ रहा है क्योंकि सुबह का टाइम है, पता है 4 बजे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, कल रात में बनानी थी वीडियो नहीं बना पाई, मेरे बेटे का एग्जाम है तो इसलिए उसको पढ़ाने के चक्कर में, बहुत छोटा है पढ़ता भी नहीं है तो इसी चक्कर में बन नहीं पाई, अभी मैं बता रही हूँ आपको। इसीलिए क्विक देखो कुछ ये जो था वो मुझे याद नहीं आ रहा, पैनाग्राम जो भी आपका है, क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग, ठीक है, क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग, ये आपको क्या करना है इंग्लिश के अपने खुद के उस पर वर्ड पैड पर खुद कई बार टाइप कर लेना। उसमें क्या है सारे ए टू जेड सारे लेटर्स आ जाते हैं, वो अगर आप सही टाइप करने लग गए धीमे धीमे करके तो समझ लो टाइपिंग आपको आ चुकी है। ये तो हुआ इंग्लिश के लिए टाइपिंग ट्यूटर, सेम ऐसा ही टाइपिंग ट्यूटर देखो यहाँ पे दिख जाएगा आपको हिंदी के लिए, ठीक है। सेम ऐसा ही टाइपिंग ट्यूटर कहाँ दिख जाएगा आपको, हिंदी के लिए
टाइपिंग ट्यूटर पे जाना। हिंदी की टाइपिंग मैंने क्या बताई आपको कि अगर जिसको नहीं आती है तो मंगल सीखो, तो मंगल पे जब आप जाओगे जिसको आती है कुर्सी तो कोई दिक्कत नहीं, मत सीखो। अब यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है आपको, जो पहली कीज है आपको उसमें क्या दिख रहा है, देखो पहली कीज में क्या दिख रहा है आपको, रा और छोटी ई की मात्रा, एक तरफ रा है और एक तरफ क्या है छोटी ई की मात्रा, देखो रा और छोटी ई की मात्रा। ये सिर्फ आपको क्या सिखा रहे हैं अभी, बिना शिफ्ट वाला सिखा रहे हैं, देखो रा और छोटी ई की मात्रा, बिना शिफ्ट की चीजें आपको दिखाई जा रही हैं, बिना शिफ्ट की। बाद में क्या होगा आपको, शिफ्ट वाली चीजें सीखनी पड़ेंगी कि रा के पास क्या है, छोटी ई की मात्रा के पास क्या है, ये सब आपको बाद में सीखना पड़ेगा। तो इसके लिए देखो टाइम भी चाहिए होता है, जिसको नहीं आता है बार बार बोलूंगी, आप एक काम करो खाली इन सब की से पहले थोड़ा हैंड सेट करना सीख लो और मंगल की कीज जरूर याद करना सीखो। मंगल की कीज इसलिए याद करो क्योंकि इंग्लिश वाली तो कीबोर्ड में रहती ही है, हिंदी वाली आपको क्या करनी पड़ती है, याद करनी पड़ती है। इंग्लिश तो जल्दी याद हो जाता है, के कहां पे क्या कहां याद हो जाएगा, रा के साथ क्या है, छोटी की मात्रा कहां है, वो टफ है, टफ है, वाकई टफ है। तो इसीलिए प्रैक्टिस खूब करो और जैसे बता रही हूं ऐसे टाइप करो, धीमे धीमे करके इनका पैसेज आ जाएगा, वो सब करो, आपको चीजें याद होती चलेंगी। और जब याद हो जाए तो क्या करोगे, फिर पैसेज टाइप करना शुरू कर दो। और मैं बीच में भी कहूंगी, जब बीच, ऐसा नहीं कि सारी कीज करते चलो और तब तक वेट करो, ऐसा नहीं, जब आपको थोड़ा थोड़ा हाथ लगने लगे कि हाँ सेट हो रहा है मेरा हैंड, फटाफट से टाइपिंग टेस्ट देना शुरू कर देना। टाइपिंग टेस्ट में आपकी स्पीड जो निकल के आएगी शुरू में 5-10 ऐसे आएगी, तो परेशान मत होना क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है। जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे वो 10 से 25 जाने में समय नहीं लगेगा, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना। इस समय अगर आपका, जिनका 1262 की बात कर रही हूँ, जिनका एग्जाम है टाइपिंग के लिए, रात दिन एक करके सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग करो, मैं बता दूं आपका आराम से हो जाएगा। लेकिन आपको करना क्या है, बस पूरे टाइम टाइपिंग करनी, जितनी आपकी बॉडी की स्टैमिना है आप दे सकते हो अपना एफर्ट उतना आप सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग में देना, ठीक है। कोई और क्वेरी होगी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और परेशान मत होना अलग से कुछ कीबोर्ड लेने के लिए, कुछ करने के लिए। जो घर पे आपके पास नॉर्मल कीबोर्ड हो उससे प्रैक्टिस कर लो। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, एग्जाम के पहले आपको एक टिप दूंगी, 2-3 चीज़ें। जैसे पहली टिप तो यही बता दूँ आपको, जो मतलब मुझे लगा कि मेरी सक्सेस के लिए शायद अच्छा था, वो ये कि मैंने घर पे तो प्रैक्टिस की ही थी, एग्जाम के 2 दिन पहले मैं खुद जाके साइबर कैफे में जाके देने लगी थी। क्यों, अपने घर पे प्रैक्टिस करते करते अपने कीबोर्ड से हाथ सेट हो जाते हैं बहुत आसानी से, आप बैठते हो तो ऐसे ऐसे करने लग जाते हो। नए कीबोर्ड पर जब जाओ ना दुकान पर या किसी और साइबर कैफे पर, तो वहाँ कीबोर्ड पर हाथ रखने में, सेट करने में टाइम लगता है। तो एग्जाम जब आपका होगा कि आपकी टाइपिंग है, उसके 2-3 दिन पहले मैं बोलूंगी आपको कि आप साइबर कैफे में जाके वहां भी जाके खुद करके आ जाना, वहां भी अगर स्पीड सही निकल के आई तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत बड़ी टिप है जो मैं आपको बता रही हूँ, मैंने खुद भी अपने टाइपिंग के टाइम पे ये काम किया था, घर के साथ साथ मैं 2 बार साइबर कैफे जाके वहाँ पर देखकर आई थी कि वहाँ कितनी स्पीड निकल रही है। क्योंकि एग्जाम में जो कीबोर्ड मिलेगा वो आपके घर वाला होगा, बिल्कुल घर जैसा ही, लेकिन आपको पता ना फील अलग हो जाती है। अभी वो टाइपिंग वाले जब सीख जाओगे तब वो सब चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। कोई क्वेरी होगी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, टेलीग्राम पर नए हो गए तो ज़रूर ज्वाइन कर लेना। 5512 वालों के लिए मैंने प्रीवियस ईयर एनालिसिस कर रखी है, जाके उसको बहुत बढ़िया से देख लो, मैंने टॉपिक चीजें आपको बता रखी हैं। क्लासेस जल्द ही शुरू करूंगी, 1-2 सब्जेक्ट की एनालिसिस आपकी जो बची हुई वो भी मैं जल्द ही पूरा कर दूंगी। वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बताना, नए हो गए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। धन्यवाद।